सो हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं फाइबर टू फैब्रिक के, उन सबको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। 9 कीवर्ड्स हैं, उनको हम जल्दी जल्दी चलिए कंप्लीट करते हैं। जो हमारा पहला कीवर्ड है वो क्या दे रखा है, कुकून। आखिर कुकून क्या होता है? तो जो कवरिंग होती है कैटरपिलर की, जैसे मान लीजिए, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई भी है, जैसे सिल्क वर्म का बच्चा है, उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कुछ थ्रेड्स की, जिससे कि उसको नरिशमेंट, उसको हीट या फिर उसको हर तरीके की प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जो वॉर्म है। तो इसीलिए हम उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को हम कोकून बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लीस। क्या कर फ्लीस क्या होता है? फ्लीस इज़ द हेयर प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ शार्क एंड याक। फ्लीस जो होता है वो हेयर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसकी बॉडी पर, शीप की बॉडी पर या फिर याक की बॉडी पर। तो उनकी बॉडी पर जितने भी हेयर्स प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, उनको फ्लीश बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस, व्हाट इज रीलिंग। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कोकून्स थ्रेड्स आर प्रोसेस्ड टू यूज एज सिल्क। अब हम कोकून के जो थ्रेड्स हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम रीलिंग बोलते हैं। तो द प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोकून के थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं किसकी तरह, फाइबर्स की तरह, इस प्रोसेस को हम रीलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्कोरिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। अब मान लीजिए हमने हेयर निकाल लिए चीप के, प्रोसेस में भी पढ़ाया था मैंने, इसके हेयर्स निकाल लिए। अब हेयर्स को क्या किया जाएगा, उनमें से ग्रीस डस्ट वगैरह सब चीज़ें हटाने के लिए उनको धोया जाता है। तो जो प्रोसेस है जिससे कि हम डर्ट को रिमूव करते हैं, ग्रीस को रिमूव करते हैं या फिर डस्ट को रिमूव करते हैं, किससे, शीप के हेयर्स पर से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। इट इज़ जनरली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये ज़्यादातर किसकी मदद से किया जाता है, मशीन्स की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर इज़ अ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। अब हम सिल्कवर्म्स को पाल रहे हैं, उन्हें खिला पिला रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर इज़ अ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ सिल्कवर्म्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। ओके, नेक्स्ट है शियरिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ इट्स स्किन। शियरिंग इज कंडक्टेड जनरली इन हॉट वेदर सो दैट द शीप डू नॉट फील कोल्ड एंड कैन सर्वाइव ईजीली। मतलब कि शियरिंग का मतलब सिंपल यही होता है कि हम फ्लीस के हेयर, फ्ली मतलब कि जो हमारी, जैसे कि कोई भी हो गया, जैसे याक हो गई, शीप हो गई, उसके हेयर्स को हम रिमूव कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम शियरिंग बोलेंगे। अब जैसे हमारे हेयर्स रिमूव होते हैं, जैसे हम आपका अगर हम अपना हेयर कट करवाएं तो हमारे हेयर्स रिमूव होते हैं, तो हेयर्स रिमूव होने के साथ साथ हमारी जो आउटर स्किन होती है हल्की सी, जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। तो होता क्या है, शीप्स के भी अगर हम हेयर्स को रिमूव करते हैं तो उसके साथ उनकी आउटर लेयर ऑफ जो स्किन की आउटर लेयर होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो यही जो प्रोसेस होता है हम इसको शियरिंग बोलते हैं शीप के केस में। और जो शियरिंग होती है वो ज़्यादातर हॉट वेदर यानी कि गर्म वातावरण में किया जाता है, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो शीप पे क्यों प्रेजेंट होते हैं, उनको कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए। कोल्ड क्लाइमेट में अगर हम उनके हेयर्स को उतार देंगे तो शीप के पास खतरा रहेगा, वो मर सकती है ठंडे वेदर की वजह से। इसलिए हम जो भी काम करते हैं ये हेयर्स को निकालने का, ये सब क्या किस वेदर में करते हैं, हॉट वेदर में करते हैं। नेक्स्ट है सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ क्या दे रखा है, इट इज़ एन इंसेक्ट। सिल्क मोथ और सिल्क वर्म में अगर मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहूँ तो जो सिल्क मोथ होता है हम वो कह सकते हैं एक तरीके से पूरा मैच्योर्ड है, और जो सिल्क वर्म है वो अभी डेवलप हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर हम आप में और आपके पेरेंट्स में देखा जाए तो आपके पेरेंट्स क्या हैं, फुली मैच्योर्ड हैं फुली, और जो आप हैं वो क्या हैं, धीरे धीरे अभी हम डेवलप हो रहे हैं। तो जो सिल्क वर्म है वो डेवलप हो रहा है, और सिल्क मोथ क्या है, डेवलप्ड हो चुका है, मतलब मैच्योर्ड है। तो सिल्क मोथ एक पूरा क्या है, इंसेक्ट है। सिल्क वर्म इज़ द लार्वा या फिर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। इट इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ये क्या होता है, वैसे आर्टिफिशियली भी सिल्क बनाई जाती हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है सिल्क का वो कौन सा होता है, सिल्क मोथ होता है। सिल्क वॉर्म इट इज़ द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। नॉट अब आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्स्चर। सॉर्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो शीप के हेयर्स होते हैं उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग अलग छांटना
छाटना जो होता है उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर हम पूछा जाए या फिर बोला जाए आपसे, तो क्या जैसे मान लीजिए कोई हेयर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कोई हेयर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हम उनको क्या करेंगे? अलग अलग रखेंगे, हार्ड वाले को हार्ड हेयर्स के साथ रखेंगे, सॉफ्ट हेयर्स को सॉफ्ट हेयर्स के साथ रखेंगे। तो यही जो प्रोसेस होता है सॉर्टिंग का हेयर्स को, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग वाली प्रोसेस। ओके, सो नाउ योर ऑल कीवर्ड्स आर कंप्लीटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम अपना नया चैप्टर दैट इज़ हीट उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।